सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का दूसरी कक्षा। सो कल के क्लास में हम क्या देख रहे थे कि गांधी जी के बोल इसके उलट शब्द उलट कर लिखे हुए पड़े और बहुविकल्प में प्रश्न सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए, ये हमने कल के क्लास में देखा है। सो आज क्या है भाषा के अन्य प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? सुलेख लिखे लिखा है, क्या सुलेख लिखे। सो क्या करना है, वो फिर से वही लिखना है आपको, ईश्वर मूर्ति प्रतिदिन बंधुत्व अहिंसा नतमस्तक मुस्कुराना अद्भुत ज्ञान और अच्छा ही। ये क्या करना है, वही नीचे की लाइन है, वहां नीचे लाइन दी है। हाँ, सो यहाँ नीचे लाइन दी है ना, वहां पे आप क्या करना है, वही ऊपर वाले शब्द ही नीचे के लाइन पर लिखने हैं। ओके, सो पेज नंबर पढ़ती है, पेज नंबर 44। सो यहाँ भी क्या है, बहुविकल्प प्रश्न, क्या है बहुविकल्प प्रश्न है। सो क्या है उसमें प्रश्न क्रमांक 4, उलट अर्थ वाले या विलोम शब्द पर गोला लगाएं या गोल लगाएं। ओके, सो जो उलट अर्थ वाले शब्द है उस पर क्या करना है, हमें गोल लगाना है। ओके, तो इसमें है पहला मीठा, पहला शब्द है मीठा। मीठा का विलोम शब्द क्या है, मीठा मतलब मधुर, वो क्या है समान अर्थी शब्द है। सो मीठा का विलोम उलट अर्थ वाला शब्द कौन सा है, खट्टा। कौन सा है, खट्टा, खट्टा मीठा। सो इसको क्या करेंगे, हम सर्कल करेंगे। सो मीठा खट्टा, अभी सफल, सफल का विलोम अर्थ वाला शब्द क्या है, असफल। क्या है, असफल, नहीं सफल नहीं होता, कौन सा होता है, असफल। अभी एकता, एकता का विलोम शब्द क्या है, एकता मतलब एक ही। हाँ, सो एकता अनेकता विविधता, एकता अनेकता। अभी जीत है, जीत का विलोम शब्द हार, जीत मतलब भी विजय। हाँ, सो जीत हार। अभी प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या, विलोम शब्द क्या है, घृणा या नफरत। ओके, प्रेम करना घृणा करना नफरत करना। बाद में सच, सच का विलोम शब्द क्या है, सच मतलब भी सत्य, सो सच का विलोम शब्द झूठ। ओके, अभी आदर है, आदर का विलोम शब्द कौन सा है, अनादर। हाँ, आदर मतलब भी क्या, सम्मान, सो उसका विलोम शब्द है अनादर। बाद में पतन, पतन मतलब नीचे जाना। ओके, सो उसका विलोम शब्द है उन्नति, प्रगति, उन्नति या प्रगति। सो ये हो गए विलोम शब्द। अभी क्या है, यहाँ पर शब्दों की सहायता से नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से वाक्यों के खाली स्थान भरे, ऐसा प्रश्न है। मैंने क्या लिखा है, सिर्फ शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरे, और मैंने वहां पर ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, सो वैसे क्या करना है, उसमें से चुन कर हमें लिखना है। हाँ, खाली जगह भरिए, वो क्या करना है, हमें ऑप्शन देकर लिखना है, जो करेक्ट ऑप्शन वहां पर बैठता है जहां पर वहां वो लिखना है। सो पहला है, सॉरी पहले ऑप्शन पढ़ती हूँ मैं, पहला है ध्यान, दूसरा है नीत, तीसरा है वाणी, चौथा है नतमस्तक और पांचवा है पहचान। ओके, ये है
ऑप्शन वाले पर्याय वाले शब्द है। सो पहला है वह डैश प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करता है। वह डैश प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करता है। ऐसा पता है वह नित्य प्रतिदिन क्या लिखना है हमें नित्य प्रतिदिन वह नित प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करता है। नित मतलब हमेशा प्रतिदिन के। दूसरा है उसने अपनी मधुर डैश से सबको प्रभावित किया था। उसने अपनी मधुर डैश से सबको प्रभावित किया था। किससे? मधुर वाणी से। मधुर वाणी मधुर बोली मधुर वाणी से। मधुर वाणी से सबको प्रभावित किया था। सो तीसरा है मैं खेल से अधिक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ। क्या लिखना है यहाँ पर? मैं ध्यान देता हूं। देखो मैं खेल से अधिक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता हूं। चौथा है मेरा मित्र बहुत सालों के बाद मिलने पर भी मुझे डैश दिया। क्या होना चाहिए वहां पर? पहचान पहचान गया। मेरा मित्र बहुत सालों के बाद मिलने पर भी मुझे पहचान गया। पांचवा है पुजारी डैश को मूर्ति के आगे झुका था। पुजारी डैश को मूर्ति के आगे झुका था। वो कैसे झुका था? नतमस्तक होकर। क्या लिखना है हमें? नतमस्तक हो पुजारी नतमस्तक हो मूर्ति के आगे झुका था। नतमस्तक होना मतलब सर ऐसा नीचे तक के झुककर सर झुककर नतमस्तक हमको वो काम होते हैं गुरुओं के सामने होते हैं या भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। सो यहाँ पर हमारे ये गांधी जी के बोल ये कविता जो थी ये क्या हो गई? खत्म हो गई है। हाँ सो इसके सभी क्वेश्चन आंसर बाद में सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। बाद में पर्यायवाची शब्द और शब्द उलट कर लिखे और पढ़े वो भी हमने लिखा है। बाद में यहाँ से क्या लेना है? सुलेख लिखे पेज नंबर 43। तो क्या करना है? वही नीचे ऊपर का जो है वही क्या करना है? आपको नीचे की लाइन में लिखना है। बाद में बहुविकल्प प्रश्न में उलट अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाए। ओके तो वो हमने यहाँ लगाया है तो ये देखकर आपको करना है। बाद में इधर क्या है? नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से वाक्यों के खाली स्थान भरे। सो वह हमने यहाँ पर अभी भरा है। सो आप जल्दी अभी लिखो मैं और एक बार ये पढ़ती हूँ। ओके तो देखो उलट अर्थ वाले शब्द क्या है? मीठा खट्टा सफल असफल एकता अनेकता जीत हार प्रेम घृणा सच झूठ अदर सम्मान और पतन उन्नति। ओके और लेकर है खाली स्थान भरे। सो पहला है वह नित्य प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करता है। दूसरा है अपनी मधुर वाणी से सबको प्रभावित किया था। तीसरा है मैं खेल से अधिक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ।
और क्या करना है, होमवर्क इसका फुल टाइम लिखना है। ओके, अगर आप लिखोगे तो ये क्या होगा, आपको आपके ध्यान में रहेगा। होमवर्क व्हाट टाइम लिखना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे यहाँ हमारा गांधी जी की जो कविता थी, गांधी जी के बोल, तो ये खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट भाग जो है वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।